हाँ भाई, तो यश रथी का एक स्टैंड अप रूटीन है कॉल्ड जेंटलमैन। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। भाई मेरे घर पे ना पूरा दिन भैंसों दरवाजों को लेके कलेश होते हैं। एक तो ना मेरे को दरवाजों के ना रूल नहीं समझ आ रहे कि इनका करना क्या होता है। कभी कहते हैं एसी चल रहा है पूरा बंद कर दो, कभी कहते हैं कूलर चल रहा है पूरा खुला छोड़ दो, और दोनों में से कुछ नहीं चल रहा ना तो थोड़ा सा खुला छोड़ दो। और अगर गलत दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया ना फिर धमकाते कि क्यों खुला छोड़ दिया, मच्छर आ जाएंगे। वहां से बाहर निकल के फिर कैब में जाते, कैब वाला बोल होता है अरे दरवाजा पूरा बंद नहीं हुआ, अरे दरवाजा इतनी जोर से क्यों बंद करा, अरे दरवाजा पीछे देख के खोलो किसी को लग ना जाए। वहां से बाहर निकल के फिर मेट्रो में जाते, मेट्रो में बोल रही होती है कृपया दरवाजे से हटकर खड़े हो। सही रंडी रोना पकड़ लिया। अरे क्यों भैंसो दरवाजा प्रधानमंत्री है, कहता है ना दीवारों के कान होते हैं, काश दरवाजे की गांड होती मैं मार देता। The rage bro, the rage, बाला, well done. रूल्स ही नहीं समझ आ रहे हैं इनके। मेरे पापा ने ना अपने कमरे का दरवाजा 3 बार बंद करा था। 3 भाई मैंने तो मेरे घर पे 5 लोग हैं, मम्मी पापा और 3 बच्चे। पापा, 2 बड़ी बहनें और 1 गलती। पर अब देखो फिर भी मतलब एक्सेप्ट कर चुके हैं वो अपनी गलती को ना। मतलब मेरा और मेरे बाप के रिलेशन अच्छा होता जा रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना तो वो अपन ऐसा लॉन्डो की तरह रहने लग गया। और मेरे पापा ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद 25 साल इलेक्ट्रिक बोर्ड में जॉब करी है और उन्हें ना घंटा कुछ नहीं आता। भाई घर में बिजली का कोई भी सीन हो जाए वो बस एमसीबी का ढक्कन खोल के उसको घूरते रहते हैं। मैंने कहा पापा बिजली है, आपका बच्चा नहीं जो आग दिखाओगे तो काम करेगा। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट जोक, ब्रिलियंट जोक। बढ़िया बनने लग गया पापा और मेरी ना। मैंने ना अपने कमरे में अपने पैसों से ना होम थिएटर लगा रखा है। क्या बात। तो पापा को मूवी देखनी होती थी ना तो पापा मेरे कमरे में आते थे। ओए होए होए, अचीवमेंट। और अब सीन ये ना कि अब ये मेरा कमरा है, मेरा टीवी है, मूवी मेरी पसंद की लगेगी। तो एक दिन मैं और मेरे पापा बैठ के मर्डर देख रहे थे। मर्डर देख रहे हैं पापा के साथ, बताओ भला। अभी देखो अगर पापा उसमें ना ऐसे ऐसे सीन्स है कि अगर मेरे बाप के पास रिमोट होता वो चैनल चेंज कर देते, लेकिन रिमोट ना अभी मेरे पास है, मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी। अब पूरी बेस के साथ चूमा चाटी हो रही है। बेस के साथ। और इतनी तेज आवाज आ रही थी ना कि बाहर से मम्मी आ गई कमरे में। मम्मी ने ऐसा दरवाजा खोला, मम्मी ने पहले टीवी की तरफ देखा कि यहाँ क्या चल रहा है, फिर उन्होंने हम दोनों को देखा कि कितनी आंखें गाड़ के बैठे हैं। और इतने में ना रिमोट मेरे पापा के पास था। वहां फेंक दिया। मम्मी पापा को कहती कि हाँ और बिगाड़ दो इसे, और गुस्सा करके चली गई। पापा साइड से चलाए, कहते अरे ये दरवाजा तो बंद करके जाओ, एसी चल रहा है। आई लाइक दैट ये चौड़ा आया कि कमरा मेरा, थिएटर मेरा, बाप का घर है ब्रो, जहां पे तेरा कमरा है वो घर बाप का दे रहे। बढ़िया चलता है यार मेरी जिंदगी में सब। बस ये कि मेरे कलेश बहुत है यार, मतलब कलेश नहीं खत्म हो रहा है, मेरी रिलेशनशिप्स में बहुत कलेश रहे हैं। मैं ना 2016 की एक बात बताता हूँ, मेरे लिए गर्लफ्रेंड थी रागिनी कपूर, नाम नहीं लेते यार, भाई अमीर और सुंदर। और एक तो ना देखो ये जो सुंदर और अमीर लड़कियां होती है ना ये बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, इनमें ना सहूलियत होती है, ये गंदी चीजें नहीं करती कि डकार मार के हरिओम बोल रही है। ये सब वर्ड्स नहीं यूज करती कि हग्गा मारना है, कट्टी आ रही है ना, सूट ही नहीं होता यार इन पे ये सब। मतलब एक बार इमेजिन करने की कोशिश करो कि दिशा पटानी एक टांग ऊपर उठा के पात मार रही है। I don't know who that is, but I don't want to imagine. नहीं अच्छा लगता ना, सुंदर लड़कियां नहीं, सुंदर लड़कियां पॉटी नहीं करती, सुंदर लड़कियां फ्रेशन अप होती हैं। Go freshen up. ये बाथरूम में जाती हैं, ये कुछ तो बहुत मैजेस्टिकल सा करती हैं। मैजेस्टिकल? क्योंकि जब ये बाथरूम से निकलती है ना इनके मुंह पे सुंदरता होती है, ग्लो होता है, खुशबू आ रही होती है, ये फ्रेश लगती है। लेकिन लौंडे, लौंडे जब बाथरूम से निकलते हैं ये फ्रेश नहीं लगते, लौंडे बाथरूम से निकलते हैं पूरे पसीनों में भीगे हुए। जो बात है ब्रो, मुंह लाल हो रखा है, माथे की नसें फूली हुई हैं। और बाहर आके ना डिस्क्राइब अलग करते हैं, भाई क्या टट्टी आई है। हाँ जो बात है, ऐसा करके आया भाई।
बाथरूम तोड़ गया है, मतलब 1.5 किलो कम हो गया। परफेक्ट टट्टी जिसको बोलते हैं ना, स्पेसिमेन ऑफ अ टट्टी। देखिए एक टुकड़ा तो मैं लेके भी आया हूँ। टुकड़ा ड्राई पीस। एक तो यार मैं लौंडों को एक चीज बताना चाहता हूँ यार, प्लीज अपने टट्टी कारण मत बताया करो यार, प्लीज। क्यों ब्रो? क्या किसी को शौक नहीं है सुनने का? सबको शौक है ब्रो। तो यार बढ़िया गर्लफ्रेंड बनी हुई थी, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था सब। बस यार सीन ये था ना कि अपने को ना रिलेशनशिप में इंटीमेसी नहीं मिल रही थी, क्योंकि घर पे घर वाले रह रहे हैं, सड़कों पे कुछ कर नहीं सकते, ओयो में इसको लेके नहीं जा सकता क्योंकि ओयो में कैमरे होते हैं। इसका नाम वैसे रागिनी है। रागिनी MMS, गुड रेफरेंस। एक रागिनी MMS पहले से बना हुआ है, मेरे को उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना। तो अब ये था यार रिलेशनशिप में ना इंटीमेसी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन मेरा घर हुआ खाली। वो दिन जो होता है ना ब्रो, घर पे मैं अकेला हूँ, एक्साइटिंग दिन होता है वो। और देखो बात ऐसी है, घर में ना अकेला लौंडा कभी अच्छे काम नहीं करता, ठीक है? घर में अकेला लौंडा गंदे काम ही करेगा। मैं इतनी अजीब हरकतें करता हूँ घर पे जब अकेला होता हूँ। मैंने ना एक बारी कसाई को कॉल कर दिया था, मैंने कहा भैया बकरा है? कहते हाँ है। मैंने कहा कितने का? कहता 400 रुपए किलो। मैं कहा भैया घंटे के हिसाब से बताओ। भाई अकेला लौंडा नहीं करता यार अच्छे काम ब्रो, अच्छे काम। और दिस इज नॉट अ बुरा काम, दिस इज फक्ड अप। रागिनी को कॉल करा, मैंने कहा सुनो घर पे कोई नहीं है, फटाफट घर पे आ जाओ। कहती हाँ ठीक है, मेरे को 20 मिनट दो, मैं अभी आ रही हूँ। और अब तक ना मेरे को तो लग रहा था मैं तो बहुत प्रिपेयर्ड हूँ, है ना, मैंने तो सब देख लिया है। लेकिन ना इन 20 मिनट में मेरे को रियलाइज होना शुरू हो गया था कि मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ देखा है, और देखने से सीखा थोड़ी ना जाता है। अब करने की बारी आई है। किसी से लड़ने चला गया था, गांड फाड़ दी थी उसने मेरी। अब मैं मुंह पे निशान छुपाने के लिए मास्क लगा रहा हूँ, देखने से कुछ नहीं होता। फिर मैंने गूगल करा क्या होता है, कैसे होता है, कितनी देर होता है। 20 मिनट खुद को अच्छे से प्रिपेयर करा, अच्छे से रेडी मूड होया, मैंने अपना रेडी तो किया। 20 मिनट बाद घर की बजी घंटी, मैं पूरा एक्साइटेड मैं दरवाजे की तरफ गया, मैंने दरवाजा खोला, सामने रागिनी खड़ी हुई है भाई, ब्लैक कलर का वन पीस पहन के, पूरी तैयार होके। सेकंड फ्लोर पे रहती है मेरी बिल्डिंग के, सेकंड फ्लोर से 11वें फ्लोर पे तैयार होके आई है। मैंने दरवाजा खोला, मैं उसको कमरे तक लेके गया, मैंने उसको बेड पे बिठाया, पहले मैंने उससे पानी पूछा क्योंकि जेंटलमैन, ठीक है, सीधा शुरू नहीं होते। उसे पानी पिलाया, कमरे में लगा दिए पर्दे, लाइटें कर दी डिम, कितना खुश हो रहा है बताते हुए दिया। और मेरे को ना वो वाला ठंडा पसंद है जिसमें कुछ पतला सा उड़ना पड़े, 67 डिग्री बनाने के लिए मैंने चला दिए गाने इमरान हाशमी के, वाला चुम्मा चाड़ी टरक वीडियो के साथ, वीडियो के साथ। भाई इतना प्यारा माहौल हो चुका था ना, हम ऑलमोस्ट करने ही वाले थे, एकदम से वो कहती यश रुक जाओ। मैंने कहा क्या हुआ? कहती कॉन्डम्स हैं। मैंने कहा फक। मैं कहा यार कॉन्डम्स तो नहीं है। कहती यश यार तुम भी ना, तुम्हारे पापा के पास हो सकते हैं क्या? और ये आइडिया मेरे को बहुत बढ़िया लगा था, जो बात है, है ना, क्योंकि देखो अब तो मैं उस उम्र में आ गया था कि अब मेरे को ना अपने बाप की चप्पल फिट आ रही थी। और देखो कहा जाता है, कहा जाता है पांव के साइज, अगर तुम्हें अपने पापा की चप्पल आ रही है तो तुम दोस्त बन जाते हो, गंदी सोच तुम लोगों की। और देखो दोस्त आपस में एक दूसरे से कॉन्डम ले सकते हैं ना। मैं गया पापा की अलमारी में चेक कर दे, मैंने अलमारी खोली, थे ही नहीं उनके पास कॉन्डम्स। मैंने कहा इस उम्र में बंदा करेगा भी क्या, ब्रो रॉ डॉगिंग, अंकल ऊपर से आ रहे हैं। मैं वापस गया कमरे में, मैंने कहा रागिनी सुनो यार कॉन्डम्स तो नहीं है हमारे पास। कहती ठीक है बस ध्यान रखना। Oh shit, let's go! मैंने कहा ध्यान ध्यान
ध्यान बहन चो मिडल नेम है मेरा। तू देख हमने अपना कार्यक्रम करा शुरू, और भाई साहब मजाक में नहीं कह रहा, वो मेरी जिंदगी का ना पहला दिन था जब मेरा पूरा ध्यान मेरे काम के ऊपर था। फुल कॉन्सेंट्रेशन। यश पुल आउट रथी ब्रो, लेट्स गो। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दुनिया में क्या चल रहा है। आई नो ब्रो, लेकिन फर्क पड़ना चाहिए था। कौन आया? कोई आ गया? क्योंकि घर पे आ गए पापा। पापा को मेरे कमरे में से आ रही आवाजें। पापा को लगा मैं होम थिएटर पे पॉर्न देख रहा हूँ। तो आगे देखने सोचा आज इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। पापा स्लिक करते हुए मेरे कमरे की तरफ आए और पापा ने दरवाजा खोला। हाँ, और फिर पापा पॉर्न देख रहे थे। रियल लाइफ पॉर्न देख रहे थे। तेरे कमरे में लॉक नहीं है क्या? भाई पापा इतने ऑकवर्ड हुए, बस एकदम से ना ऐसे पीछे मुड़े और चल दिए। मैंने कहा अरे पापा दरवाजा तो बंद करते जाओ। मैंने कहा दरवाजा बंद कर दो, एसी चल रहा है। एसी चल रहा है। ब्रिलियंट यार, बहुत बहुत अब। पापा ने दरवाजा बंद करा। हाय हाय एंबैरेसमेंट। मेरे को ना उस टाइम पे रियलाइज हो गया था कि मैं कितना नीच इंसान हूँ। क्योंकि जैसे ही पापा ने दरवाजा बंद करा मैंने कहा पकड़े तो गए हैं, कंटिन्यू क्यों ना इसको निपटा ही लिया जाए। पर अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया। वो भी रागी नहीं कहते यश दिस इज टू एम्बैरेसिंग, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं क्या ही कर सकते हैं अब तो। अब मेरे को लग गई बीटी। मैंने कहा एक तो साला काम नहीं हुआ, ऊपर से बाहर निकलते ही मार अलग पड़ने वाली है। मैं कमरे के बाहर निकला, पापा गुस्से में मेरी तरफ चलते हुए आए। कहते यश तू ना बहुत बड़ा हो चुका है, इन चीज़ों के बारे में तेरे को कुछ बोल के फायदा नहीं है, बस इतना बता दे कि प्रोटेक्शन यूज करा था या नहीं। मैंने कहा पापा आपकी ना अलमारी में चेक करा था, आप ही के पास नहीं था। कहते ये गलती तो हमारी हमेशा से रही है। Oh, shit. Boy. Boy. Boy.